मगफिरत वाला अशरा है और मगफिरत इतना बड़ा समरा और इतना बड़ा मकसद आजीम है जिसको नसीब हो जाए वो कामयाब और खुदा न खास्ता किसी को नसीब न हो तो वो ऐसा नाकाम कभी कामयाब नहीं हो सकता। मेरे आका अलैहिस्सलाम की हदीसे पाक मशहूर हदीस हर साल आप सुनते हैं और सुनते रहेंगे इंशाअल्लाह। पहली सीढ़ी मुबारक पे मेरे आका ने कदम मुबारक जब रखा आमीन फरमाई, दूसरी पे आमीन, तीसरी पे आमीन। जब पूछा गया तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने वजाहत फरमाई कि जिब्राईल अमीन ने कहा बदबख्त है, जन्नत से दूर है, दोजख के करीब है जिसने रमजान मुबारक का महीना पाया और बख्शिश नहीं करा सका। और दूसरे नंबर पे फरमाया बदबख्त है वो इंसान जिसने दोनों माँ बाप या एक की जिंदगी को पाया फिर लम युद खिला हो वो दोनों उसकी जन्नत का सबब नहीं बन सके। माँ बाप से दुआएं नहीं ले सका, हुकूक अदा नहीं कर सका तो बदबख्त है वो शख्स जिस इंसान ने माँ बाप का दिल दुखाया इसी तरह वो दुनिया से रुखसत हो गए। किसी मौलवी का फतवा नहीं है, किसी मुफ्ती का फतवा नहीं है, मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमा गए हैं कैसा इंसान बदबख्त है जन्नत से दूर है। समझाने के लिए हम कह सकते हैं माँ बाप के नाफरमान यार कोई से भी बड़ा कोई बदबख्त है कि मेरे आका अलैहिस्सलाम आमीन कह के गए इब्राहिम अमीन की बददुआ में। और तीसरे नंबर पे फरमाया बदबख्त है वो इंसान मेरा नाम आया और शायद ये जवाब ही हो जाता मेरा नाम आया और उसने दरूद शरीफ नहीं पढ़ा। कितना बदकिस्मत है वो इंसान कि मेरे आका अलैहिस्सलाम का नाम आया और उसने दरूद शरीफ नहीं पढ़ा, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं कहा। एक मजलस में एक दफा जब मेरे आका का नाम आए तो दरूद शरीफ पढ़ना वाजिब होता है और बार बार पढ़े तो सोने पे सुहाग है लेकिन वो नकार नहीं होगा जब एक दफा पढ़ दे एक तकरीर में एक दर्स में एक नशे से। अब थोड़ी सी ये बात जो बड़ी मुश्किल है पहले ये समझे फिर आगे चलते हैं इंशाअल्लाह कि यार कोई निस्बत जरूर है, मुनासबत जरूर है कि रमजान वालदैन दरूद शरीफ। मेरे आका ने जब जिक्र इकट्ठा किया तो कोई वजह है, इस तरह मेरे आका ने नहीं फरमाया रमजान वालदैन दरूद शरीफ। क्यों? रमजान मुबारक रहमत है, रहमत है, रहमत है और जिसने रहमत से फायदा नहीं उठाया कहां वो जाएगा और फायदा उठाएगा, कौन सा जमाना आएगा कि वो फायदा उठाएगा। हमारे मुआशरे में घरों में
ऐसे बदबخت मर्द औरत है, ऐसे नौजवान है बगैर उजर के, उजर ठीक है, बगैर उजर के रोजा नहीं रखते। हिम्मत किया करो, साफ कहा करो, बदबخت हो, रहमत में गोता लगा सकते हो नहीं लगाना। हमारे पिंड और कस्बे के करीब एक मदरसा है, मिफ्ताहुल्उलूम, इल्मों की चाबी, मैंने वहां दो साल पढ़ा है, फाजिल देवबंद रहे मौला के पास। हम छोटे छोटे होते थे तो मेरे वालिद साहब रहे मौला ताला हमें फरमाते थे, ए बिल्कुल करीब एक दरिया है, जाओ पानी पी लो। हमें बात नहीं समझ आता, बाद में उनकी बात का मकसद समझ आया कि इल्म दरिया है, जाओ उससे कुछ पी लो। तो भाई रमजान मुबारक में इतना बड़ा दरिया और समुंदर है और पानी इसका इतना साफ और मीठा है, अगर किसी आदमी ने अपनी बख्शिश नहीं कराई, रोजे नहीं रखे तो कैसे बख्शे, तरावीह नहीं पढ़ी तो कैसे बख्शे, सहरी इफ्तारी सुन्नत के मुताबिक नहीं की कैसे बख्शिश होगी, दुआएं नहीं मांगी कैसे बख्शिश होगी। पाक रातों में लैलतुल कदर को तलाश नहीं किया कैसे रहमत होगी। रमजान है ही सराफा रहमत, सुभान अल्लाह। फिर वालदैन का जिक्र साथ क्यों किया कि बदबخت है जिसने वालदैन की खिदमत नहीं की और वो इसे जन्नत में न दाखिल करा सके, यानी इसने राजी नहीं रखा कि उनकी वजह से जन्नत में चला जाता। उस दिन मैंने दर्स में ये बात की थी तो सारे साथी दर्स में नहीं होते, मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस्ताद है, इमाम है, अब्दुल मुहसिन कासिम, बहुत ऊंचे लंबे कद वाले और बड़े जलाल वकार और वजाहत वाले, वक्फ कर दिया अपनी जिंदगी को मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनकी अरबी की किताब मैंने पढ़ी, फरमाते हैं वालदैन की खिदमत करने वाला, वालदैन को राजी रखने वाला मुस्तजाब दावात बन जाता, मामूली होता नहीं है। और बात भी वो कर रहा है जो मदीना मुनव्वरा का वासी है और मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इमाम और खतीब और मुदर्रिस है। फरमा रहे हैं मां बाप का खादिम मुस्तजाब दावात बन जाता, और मुस्तजाब दावात किसको कहते हैं पता है, हाथ उठाए जो मांगे अल्लाह अता फरमाए, बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है। गुजरा वाले में एक आदमी है, मेरा उससे बड़ा कह रहा था, उसका मेरे साथ बड़ा प्यार है, हाफिज मोहम्मद असलम साहब हमारी जमात के बुजुर्ग शख्सियत है, अल्लाह के वली है। उसे कोई काम कहा रूहानी, उन्होंने फरमाया कि हबीबुर रहमान को कहो, वो मुझे कहे तो फिर इंशाअल्लाह ये सिलसिला आगे चलाएं। उन्होंने मुझे कहा, मैंने उन्हें कहा, उनका ठीक है। यकीन करना किसी वजह से मैं नाम नहीं ले रहा, उनका आर्डर है, आम आदमी यानी लोग उसे आम कहेंगे, मैं तो दुखियत ही नहीं करता, लेकिन वो शख्स मुस्तजाब दावात, मुस्तजाब दावात, हाथ उठा दे रब्बे कायनात मुकाम फरमा दे, कितना बड़ा होता, वो मामूली होता नहीं है, जनरल कर्नल वजीर आला वजीर आजम कोई चीज नहीं है, मुफ्ती शेख उल हदीस खतीब मुकर्रर पढ़ के मानने वाले हम जैसे मेंबरों पे कोई चीज नहीं है। मुस्तजाब दावात तमन्ना करो, खुदा नखास्ता अपना मकान नहीं, गाड़ी नहीं, कोई मुकद नहीं, लोग हकीक समझते हैं,
लेकिन अगर मुस्तजाब दावात हो दुनिया भी बन गई आखरत भी बन गई। गुजरावाले में एक आदमी को लैलतुल कदर नसीब हुई, पूछा गया क्या मांगा था, कुर्बान जाऊं, गरीब था गरीब मुफले से, कहने लगा आखरत मांगी, या अल्लाह मेरी आखरत बना। इतनी बड़ी समझदारी, दुनिया क्या है, दुनिया क्या है, गुरबत में अमीरी में गुजर जाएगी, बीमारी और सेहत में गुजर जाएगी। इसलिए ज़हन में रखे वालदैन का फर्मा बरदार और वालदैन का खादिम मुस्तजाब दावात होता है, मुस्तजाब दावात रब से मांगता है, रब उसकी दुआओं को कबूल फरमाते हैं। और फिर वो लिखते हैं अपनी किताब में कि माँ बाप की खिदमत और दुआ की वजह से अल्लाह बड़ी बड़ी परेशानियों से निजात देते हैं, बड़ी बड़ी परेशानियों से निजात देते हैं। फिर उस्ताद मौलाना नसरुल्लाह खान राशिद हाफिज़हुल्लाह मुझे फरमाते हैं कि मेरी माँ मुझे कहती थी जा नसरुल्लाह जग मोहताज हूं, और वो भी बताते हैं आज अल्लाह ने मुझे इज्जत अदा की है माँ की दुआओं की बरकत। कई बदकिस्मत बदबख्त ऐसे हैं माँ बाप नाराज नाराज गए, नाराज किया, गुस्ताखियां की, बेअदबियां की जी दो। और तीसरे नंबर पे दरूद शरीफ का जिक्र क्यों आया, रमजान वालदैन रहमत है ना, और दरूद शरीफ की रहमत है। मेरे आकर नहीं कर मन सल्ला अलैया वाहिदतन, मन सल्ला अलैया वाहिदतन, जिसने मुझ पे एक दफा दरूद शरीफ पढ़ा उठ जाओ अच्छी तरह अच्छा, जिसने मुझ पे एक दफा दरूद शरीफ पढ़ा रब्बे कायनात उस पे 10 दफा रहमत भेजते हैं। सुभान अल्लाह, समझ आ गई कि दरूद शरीफ की रहमत है। तो आइंदा जब ये हदीस सुने या सुनाए तो कहा करे हमारे फकीर उस्ताद ने कहा तीन चीजों को इकट्ठा करने का मतलब यह है, रमजान वालदैन दरूद शरीफ, सारी तीनों चीजें रहमत ही रहमत है। रब्बे कायनात ने इन तीनों को रहमत बनाया, इसलिए मेरे आका ने तीनों का जिक्र इकट्ठा किया। देश आश्रय में मग़फ़िरत है, अरबी में दो लफ्ज़ है इस्तिग़फ़ार और तौबा। अब जरा समझना कि इस्तिग़फ़ार और तौबा में क्या फर्क है। इस्तिग़फ़ार और तौबा में पहला फर्क यह है कि इस्तिग़फ़ार होती है माजी के लिए, अल्लाह जो गलतियां मुझसे हो गई माफ कर, ये इस्तिग़फ़ार जमाने माजी में जो गुनाह हुए उनकी इस्तिग़फ़ार करना, ये अशरा इस्तिग़फ़ार वाला। आज गरीब और अमीर को देखो, मर्द औरत को 80% को है कि कपड़े भी सिल चुके होंगे, कम से कम खरीद लिए होंगे और तैयारियां ईद की हो रही होंगी, लेकिन असल काम जो रमजान में है कि भाई इस्तिग़फ़ार की है, अल्लाह से माफी मांगी है, बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने ये काम किया होगा। सुबह मैंने दर्स में कहा था गुनाह की नहुसत होती है नहुसत, कोई समझे या ना समझे जो गुनाह करोगे नहुसत जरूर होगी। और दूसरे नंबर पे गुनाह का बवाल भी होता है, इंसान समझता नहीं है, बाज़ औक़ात चेहरे पे लानत बरस रही है, बाज़ औक़ात रिज़क तंग हो रहा है, बाज़ औक़ात नेकी नहीं नसीब हो रही है, बाज़ औक़ात नींद नहीं आ रही, बाज़ औक़ात दिल में बेकरारी बदसकूनी आ गई है, बाज़ औक़ात बहुत बड़ा होने वाला काम रुक गया है, बाज़ औक़ात आसानियां परेशानियों से तब्दील हो गई हैं। और रब का कानून भी है, रब का फैसला भी है, वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मिन अम्रिही युसरा। सुभान अल्लाह, वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मिन अम्रिही युसरा। सुभान अल्लाह,
जो गुनाहों के वबाल से डर गया, फला गुनाह किया, फला गुनाह किया, फला गुनाह किया, पता नहीं किस वक्त पकड़ आ जाए, अल्लाह उसके मुश्किल काम आसान कर देते हैं। कितना बड़ा फायदा है इस्तग़फ़ार, अल्लाह से सच्चे दिल से सुलह कर ली, अल्लाह के साथ राब्ता कायम कर लेना, कितनी मुश्किलात में फंसा हुआ रब कायनात आसानियां पैदा करवा दे। वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहु मखरजा वयरज़ुकुहु मिन हैसु ला यहतज़। जो अल्लाह के अज़ाब से डरते हुए गुनाहों से तौबा कर ले, अल्लाह मसाइब से भी निकाल देते हैं, ऐसी जगह से रिज़्क़ देते हैं इंसान को गुमान भी नहीं होता। सुभान अल्लाह। इस अपनी तिजारत, ज़राअत, काश्तकारी, सर्वस, जान को, मुलाजमत को रब न बनाओ, ला तजअलुल अस्बाब अरबाब, इन सबबों को रब न बनाओ, रब वो है, एक दर बंद सौ दर खुल जाता, दस दर नहीं सौ दर अल्लाह ताला खोल देता है। तो इस्तिग़फ़ार का और तौबा का एक फर्क यह है कि इस्तिग़फ़ार होती है कि माजी में जो गुनाह हो गया अल्लाह माफ करता, और तौबा किसकी भी होती है आइंदा गुनाह नहीं करूंगा, ये तौबा होती है। हमने ये समझा है, हमने ये समझा है कि तौबा किसको कहते हैं, बस या अल्लाह माफ कर दे तौबा हो, गलत फहमी है। किसको तौबा नहीं कहते, तौबा इसको कहते हैं आइंदा पक्का इरादा करना, या अल्लाह अब मैं ये गुनाह नहीं करूंगा, अब तौबा। कहते उस्ताद इतनी इस्तिग़फ़ार की तौबा की मसले हल नहीं हुई, क्यों नहीं हुई है? इस्तिग़फ़ार है ज़माने माज़ी के गुनाह से तौबा, और तौबा है कि अंदा नहीं करूंगा, फिर ना करे, अब वो इस्तिग़फ़ार बनेगी, अब वो तौबा बनेगी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने बड़े तंग आए अपनी कौम से, आज हम 10 साल तबलीग करके थक जाते, 5 साल तबलीग करके थक जाते, बस थक गए, हम नहीं आगे तबलीग कर सकते। 950 साल तबलीग करते हैं नूह अलैहिस्सलाम, 82 या 83 आदमी मुसलमान होते हैं, और उस वक्त क्या फरमाते हैं, फकुल तस्तगफिरु रब्बकुम इन्नहु काना गफ्फारा। सुभान अल्लाह। ऐ मेरी उम्मत, अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगो, इन्नहु काना गफ्फारा, वो बहुत बड़ा बख्शिश करने वाला है, बहुत बड़ा मेहरबान है। युरसिल समा अलैकुम मिदरारा, जब वो राजी होता है रुकी बारिश भी शुरू हो जाती है, जब वो राजी होता है युमदिदुकुम बिअम्वाल, माल भी ज्यादा अदा करता है, औलाद में भी बरकत डाल देता है, वयजअल लकुम जन्नत वयजअल लकुम मनहारा, बाग भी अता कर देता है, नहर भी अता कर देता है, लेकिन मालकुम ला तरजून लिल्लाह वकारा। जो तौबा इस्तिग़फ़ार नहीं कर रहे ना, अल्लाह का वकार और अजमत दिल में नहीं आई। जिसके दिल में अजमत और वकार और रमजान मग़फ़िरत वाला अशरा और उसके आंसू ना निकले हो, वो रोया ना हो, कभी ऐसे नहीं हो सकता। अगर आखिरत की फिक्र है, कब्र की फिक्र है, तो याद रखना वो मग़फ़िरत वाले अशरे में इस्तिग़फ़ार करेगा, तौबा करेगा, रब्बे कायनात उसके गुनाह मुआफ़ फरमाता। और हदीस में तौबा करने वाला, याद रखना दुनिया वाले नहीं भूलते, वो यार फला दौर में इसने गुनाह किया था, फला दौर में इसने गलती की थी, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने गुनहगार आदमी के लिए मर्द औरत चाहे वो कंजर और कंजरी है, जब तौबा कर ले छोड़ दो, उसकी बुराइयों को ना बयान करो, रब की सुना हो गई, तुम कौन होते हो उसे ताने देने वाले। अब देखना रब्बे सुजरा क्या फरमाते हैं, या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अन्फुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह।
اے میرے بندو جو اپنی جانوں پہ ذاتی کر چکے ہو, مرد اور عورت کی تم نے بدکاریاں کی, شراب نوشیاں کی, جویا کھیلا, چوری ڈکیتی کرتے رہے, جھوٹ بولتے رہے, فرار کرتے رہے, گناہ کرتے رہے, نافرمانیاں کرتے رہے, بے بداختوں کے مستحق بنتے رہے, لیکن مغفرت والا عشر آیا, سچے دل سے کہا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللہ صاحب کا زندگی برباد, بڑی نافرمانی کی, ابھی موت کا ٹائم نہیں آیا. اللہ سنا ہے علماء سے, علماء نے سنا ہے صحابہ سے, صحابہ نے سنا ہے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, اور مدنی کریم نے سنا ہے تجھ سے رب کائنات, کہ جتنا بھی بڑا گناہگار ہو, یقین کرنا حقیر نہ سمجھا کر. اس دور میں جن لوگوں کو ہم حقیر سمجھتے ہیں, شاید اللہ کے ساتھ ان کا اتنا تعلق ہو کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. حقیر نہ سمجھا کر, ایک عورت کی نگاہ سے نہ دیکھ اہل سائل اہل طوفاں کو, ایک عورت کی نگاہ سے نہ دیکھ اہل سائل اہل طوفاں کو, کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کنارے ڈوب جاتے ہیں. تو ولی اللہ بن رہا ہے, میں بڑا نیک, بڑا نیک, بلا تو بڑا بدبخت ہے جہنمی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایک شخص پہ موت آئی, میرے آقا نے جب اسے دیکھا فرما اصحاب کا یزعمون, تیرے دوستوں کو مان کرتے تھے تو جہنمی ہے, اللہ کو تیری کوئی ادا پسند آئی ہے, تیری روح نے تو جنت میں جا کے بسیرا کر دیا. کہو سبحان خدا را, حقیر نہ سمجھا کیا, حقیر کو اللہ عظیم بنا دیتے. یا عبادی الذین اسرفوا علی جانوں پہ زیادتیاں کر چکے ہو, لا تقنطوا من رحمت اللہ, میری رحمت سے نا امید نہ ہونا, ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا, جب میں معاف کرنے پہ آتا ہوں نام اعمال میں کوئی گناہ نہیں رہتا, میں سب مٹا دیتا ہوں, معاف کر دیتا ہوں. اس نقطہ سے گنہگاروں کو دیکھا تھا, پتہ نہیں ان کی آخرت بن جائے اور کہنے والے کی بگڑ جائے. قیامت کا دن ہوگا, رب کائنات ہر انسان کو نام اعمال دکھائیں گے. سبحان اللہ, قرآن کہتا ہے سنقرئک فلا تنسا الا ما شاء اللہ, ہم تجھے نام اعمال پڑھائیں گے, پڑھ آؤ بکراؤ کتاب یا پڑھ ذرا اپنا نام اعمال, پڑھے گا فرما, جب نام اعمال پڑھے گا نا گھبرا جائے, ابھی تو میں نے فلاں گناہ اس میں نہیں دیکھا. میرے پیر مرشد سید عنایت اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ تعالی فرماتے تھے, ماں باپ اولاد کے گناہوں پہ اتنے پردے نہیں ڈالتے. توجہ کر, ماں باپ اولاد کے عیبوں پہ اتنے پردے نہیں ڈالتے. کیوں؟ مثلا میری اولاد میں کوئی کمی ہوئی کسی کو نہیں بتاؤں گا. آج یہ اشرف صاحب بیٹھے ہیں میرے دوست اور بھائی ہیں, شاید میں کہوں گا بھتیجوں کو سمجھاؤں گا, یا ان کی اولاد میں کوئی ایسی بات تو کسی کو نہیں بتائیں گے, استاجی ان کو سمجھاؤ. ہے نا, ماں باپ اتنے پردے نہیں رکھتے, کبھی اظہار کر دیتے. میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں, لیکن رب کائنات سید عنایت اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ فرماتے تھے رب کائنات اپنے مخلوق کے گناہوں پہ بہت پردے ڈالتے ہیں. سبحان اللہ, میں کہا کرتا ہوں رب کا جو مزاج ہے نا, رب کا جو مزاج ہے وہ ہے مہربانی, رب کا مزاج سختی نہیں ہے. یہ ذہن میں رکھنا, مزہ آتا ہے یہ بات سننے میں. نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب الالیم. میرے لاڈے پیغمبر
मेरे बंदों को खबर दे दो मैं बहुत बड़ा बख्शिश करने वाला बड़ा मेहरबान हूं, लेकिन मेरा अजाब दर्दनाक अजाब है। अल्लाह का मिजाज मेहरबानियां है, अल्लाह का मिजाज गुनाह माफ कर देना है, अल्लाह का मिजाज है सख्ती की बात नरमी करना, अल्लाह का मिजाज है जहन्नमी में रहमत करके जन्नती बना देना, अल्लाह का मिजाज है सख्त गुनाहगार को सख्त नाफरमान को और हजरात में चला गया जहन्नम का मुस्तहिक बन गया, क़यामत के दिन नबी अलैहिस्सलाम की शफाअत से जन्नत का मुस्तहिक बना देगा। ला मरूबी इल्लल्लाह वला मतलूबी इल्लल्लाह वला माकूबी इल्लल्लाह वला हम तुम्हारे कंधों पे जाएं, तुम हमारे कंधों पे न जाएं। जाओ रमजान है दूसरा जुम्मा है, दिल से दुआ कर रहा हूं कहो आमीन। आज मेरे बड़े गहरे दोस्त मुख से मेरे ड्राइविंग के उस्ताद अरशद के राजा साहब हमसे रुखसत हो गए, अल्लाह उनकी कब्र को जन्नत का बाप बना। कल इस वक्त उन्हें पता नहीं था, हमें पता नहीं था, आज बरज़ख की जिंदगी में पहुंच चुके, इंशाअल्लाह जनाजा पड़े क्या पता है किस वक्त इस दुनिया से रुखसत हो जाने। खुदारा खुदारा आखिरत की फिक्र करो, और जितने हजरात बैठे मैं तजर्बा नहीं कुरान हदीस को सामने रख के कह रहा हूं, कोई किसी का नहीं बनता है, कोई किसी का नहीं बनता है, ना दोस्त पे एतमाद करो, ना औलाद पे एतमाद करो, ना अपनों पे एतमाद करो, ना बेगानों पे एतमाद करो, ना दौलत पे एतमाद करो, ना इस जमीन पे एतमाद करो, ना कारखाने पे एतमाद करो। काम आएंगे तो नेक अमाल, गहरे से गहरा दोस्त भी चला आएगा, हत्ता के औलाद भी छोड़ के चली आएगी, हत्ता के माँ बाप भी खुदा नखास्ता उनकी औलाद बहुत हो जाए वो भी छोड़ के चले आएंगे, साथ नेक अमाल जाएंगे। पूरी जिंदगी का खुलासा बता रहा हूं, खुदारा भरोसा अल्लाह की जात पे करो और सच्चे दिल से वाला रब्बिम यतवक्कलून वाला रब्बिम यतवक्कलून, अपने रब ही पे भरोसा करना है, किसी पे भरोसा नहीं करना। रमजान है, मगफिरत वाला अशरा है, खुदारा नौजवान माँ बहन अलहदा बैठ के जरा सर्व लगाया करो, ला मरूबी इल्लल्लाह वला मतलूबी इल्लल्लाह वला माबूबी इल्लल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह। कासमी मरहूम पे बहुत आई फरमा, या अल्लाह तेरी तौहीद बयान की है पूरी जिंदगी, मेरे साथ सख्ती न करना, आसानी से मेरा रूह कब्ज़ कर ले। आम दुनिया से दूर हो रहे हैं, कब्र के करीब हो रहे हैं, मगफरत का आशरा है, इस दरिया समुंदर में गोता लगाओ और वादा करो या अल्लाह जब तक तू राजी नहीं होगा, जब तक तू करम नहीं करेगा, मेरे दिल में ये बात नहीं डालेगा जा मैंने मुआफ कर दिया, तो याद रखना या अल्लाह मैं भी मुतमईन रहूंगा, मुझे मुआफ कर। अल्लाह के मिजाज में नरमी है, अल्लाह मुआफ फरमा देते, अल्लाह बड़े जल्दी राजी हो जाते। हाँ हुकूक उल इबाद, खाया बहन का हक, खाया भाई का हक, खाया पड़ोसी का हक, खाया काम का हक, खाया उसका जिसके साथ पार्टनरशिप थी खयानत करके, खाया किसी और बहाने से फरार से, इतना कसीरम मिन अल्लाहबार व रुहबाने लयाकुलून अम्वाल अन्नास बिल बातिल व यसुद्दून अन सबीलिल्लाह। हम किसी को क्या कहें, फरमा बहुत सारे उलमा दरवेश लोगों का माल बातिल तरीके से खाते हैं, देवला के नाम की 11वीं 12वीं चढ़ावा नजर न्याज मन्नत मनोती है अल्लाह के नाम की, ये तीजा ये चौथा ये दसवां ये साल के ना ये फला बिल बातिल बातिल तरीके से खाते हैं। भैया सुद्दू नाम सबीलिल्लाह, उलमा का काम है अल्लाह से जोड़ देना, वो अल्लाह से इंसान का ताल्लुक काट देते हैं। फरमा ऐसे लोग याद रखना, जिसने भी मखलूक खुदा के साथ हुकूक
चाहे बहन भाई पड़ोसी कजन अपना बेगाना किसी की इज्जत पे हमला किया, चोरी डकैती की, फरार किया, धोखा किया, किसी के साथ गुनाह, जब तक इन हुकूक इबाद को अदा नहीं करेगा इस्तिग़फ़ार और तौबा उसे फायदा नहीं पहुंचाएगा। खुदा ना इस चीज की फिक्र करें। हम बयान करें ना नमाज रोजा ज़कात हज, लोग बड़े खुश होते हैं, मौलवी साहब ने बड़े अच्छे मसले किए। ये जब बयान करें ना शिर्क ना करो, कुफर ना करो, मुनाफ़क़त ना करो। आज हम मिलते हैं किसी को, ऐसे मिलते हैं कि अगला कहता है इसने दिल में मुझे जगह दी है। जब जुदा होता है हम उसकी जड़े काटते हैं। खुदा की कसम 70% लोग वो है नेकियां करते हैं गरीबत की वजह से दूसरे के नाम आबाद में चली जाते, नेकियां करते हैं चुगली करके दूसरे के नाम आबाद में चली जाती है। मेरे समेत हम बैठे, मैं अभी सवाल करूंगा तो मुझे डर है शायद वो हाथ ना खड़ा करे, शायद कर भी दे। मूसा खान बाजी रहे मुल्ला ताला जामे शफिया के शेख उल हदीस थे, अपनी किताब फतहुल्लाह के शुरू में लिखते हैं मुझ पे ये एहसान मेरे माँ बाप राजी, मुझ पे ये एहसान मैं हुकूक उल इबाद में फर्क नहीं लगाया, मुझ पे ये एहसान कि मैंने नजरों की हिफाजत की, लेकिन एक बात करके फारूकी को तड़पा देते। क्या फरमाते बताओ मुझे ऐसा पीर ना होंगे, ऐसा हाजी मेरे सामने लाओ, ऐसा फारूकी मेरे सामने लाओ, ऐसा खतीब मेरे सामने लाओ। हम तकरीर करते हैं ऐसे हाथ मार रहे हैं, हम भी ये दावा नहीं कर सकते। हम किसी को क्या कहें, यकीन करना अगर आखरत के हवाले से देखा जाए जितने बैठे हो मेरे समेत हम बहुत बड़े घाटे में हैं। नेकियां कर रहे हैं, गीबत से जाये हो रही, चोरी से जाये हो रही, एक से नफरत है कोई नफरत नहीं है, उससे तो मोहब्बत है। एक आदमी मुझे कहने लगा पौने पांच घंटे उस्ताद जी एक मजलस में बैठा हूं और पौने पांच घंटे गीबत होती रही। उसने मुझे बताया इबरत के लिए, रोना आया, कितनी देर नौजवानों बैठते हो बुजुर्गों बैठते हो, मैं तुम्हारी तारीफ नहीं करता, अपनी तारीफ नहीं करता, हम बहुत निकम्मे हैं, बड़े घाटे में हैं, आखिरत की फिक्र नहीं है, नामे आमाल में नेकियां नहीं जा रही, जो जा रही है तो गीबत के साथ, फना ऐसे फना ऐसे फना ऐसे। 10 औरतें बैठी हूं कसम उठा के कह दे 10 मिनट बैठे तो गीबत नहीं करेगी। हमारे तहज्जुद, हमारी तरावी, हमारी सहाबत, हमारी इताअत, हमारी रियाजत किधर जा रही है? खुदा हाथ पांव के कह रहा हूं शायद मेरा आखिरी रमजान, आपका आखिरी रमजान, गीबत के फला ऐसे फला ऐसे फला ऐसे, बोताल की किसी में नहीं हो, फला ऐसे फला ऐसे, फला ने तेरे बाद ये बात की, फला ने ये बात की, अपने अमाल को जाये न करो, अमाल को सीने के साथ लगाओ, मेरी तिलावत मेरे सीने के साथ, मेरी नमाज मेरे सीने के साथ, मेरी ज़कात मेरे सीने के साथ, आपका हज आपके सीने के साथ, तहज्जुद आपके सीने के साथ, बहादुरी आपके सीने के साथ, जिहाद और तबलीग आपके सीने के साथ, और नामा आमाल में हो। हाय बदबख्ती, नेकियां करें और दूसरे के नामा आमाल में चले जाए, हमसे बड़ा भी कोई खसारे वाला और बेवकूफ है कोई नहीं। नमाज पांच मैं पढ़ू दे दू किसी और के नामा आमाल, ज़कात मैं दू और नामा आमाल किसी और का भर दू, तो मूसा खान बाजी रहे मौला ताला फरमाते हैं अल्लाह की कसम मैंने कभी किसी की नीमत नहीं की। मैं इसको वलीउल्लाह कहता हूं, चाहे बुखारी नहीं है, चाहे सैयद नहीं है, चाहे बहुत उसके मुरीद नहीं है, खुदा की कसम मैं किसी की नीमत नहीं करता। और आज मेरे हाथ में खड़े होके कह दे उस्ताद जी 24 घंटे में या सोना है या सच कहना है या फिर कुरान की तिलावत है, और उस्ताद जी दरूद शरीफ है, मुझे अभी बताओ जब मौका मिला मैं उसकी जूतियां सीधी करूंगा। खुदारा खुदारा अल्लाह का जो फरमान है वलीउल्लाह बन जाओ, अल्लाह से गहरा ताल्लुक कैम कर लो, इस्तिग़फ़ार करो माजी के लिए, तौबा करो अल्लाह आइंदा ये गुनाह नहीं करेगा, फिर करना भी नहीं है। 3 चीजें हैं इमाम गज़ाली इहया उलूम में लिखते हैं, तवज्जो करना, मग़फ़िरत के हवाले से अशर मग़फ़िरत वाला क्या सुनना, एक है इल्म, एक है हाल,
कैफे, आपको इंशाल्लाह बात समझ आएगी। तौबा के लिए एक इल्म होना चाहिए, फिर हाल होना चाहिए, फिर फेल होना चाहिए। इल्म ये होना चाहिए, ये गुनाह है, ये गुनाह है, ये गुनाह है। जाली कंजर और कजरी से पूछो, नहीं पता ये गुनाह है। शराबी दांती से पूछो, नहीं पता ये गुनाह है। बहनों का हक खाने वाला बदबख्त पूछो, ये गुनाह नहीं है। चोरी और डकैती करने वाले से पूछो, ये गुनाह नहीं है। शिर्क करने वाले से पूछो, तुझे पता नहीं है अल्लाह के साथ शरीक ठहरा रहा है। झूठे दांती से पूछो, झूठ बोल रहा है, पता नहीं है ये गुनाह है। ख्यानत कर रहा है, पता नहीं ये गुनाह है। नजरों की हिफाजत नहीं कर रहा, पता नहीं ये गुनाह है। लालच इश्क और मोहब्बत पर किसी की इज्जत पे हमला कर रहा है, पता नहीं ये गुनाह है। कहते हैं मैंने फलां की इज्जत पे हमला किया, उसे पता ही नहीं चला। कल तेरी इज्जत पे भी हमला होगा, तुझे पता नहीं चलेगा। ये फारूकी नहीं कह रहा, फारूकी का पीर नहीं कह रहा, बाप नहीं कह रहा। मेरे आका ने फरमाया, किसी की इज्जत पे हमला करेगा, सच्चे दिल से मुआफी मांगे, तौबा करे, उसको राजी करे, इस्तगफार करे, वरना जिस तरह उसे नहीं पता चला, तुझे भी पता नहीं चलेगा, इज्जत पे हमला हो जाएगा। खुदा रा, खुदा रा, खुदा रा। फरमा पहली चीज तौबा के लिए इल्म होना चाहिए, गुनाह। ये किसको नहीं है? जो रोजा नहीं रख रहा नहीं पता गुनाह है, नमाज नहीं पढ़ता नहीं पता ही गुनाह है, ज़कात नहीं दे रहा नहीं पता गुनाह है, खाना की नाफरमानी ख़यानत करने वाली लालची औरत नहीं पता नहीं ये गुनाह है, भवने बनाने वाली और बाल कटवाने वाली और फैशनेबल कपड़े पहन के बाजार में जाने वाली पता नहीं कि ये गुनाह है। बाप की इज्जत मजरूह हो रही है, खामिद की इज्जत मजरूह हो रही है, भाई की इज्जत मजरूह हो रही है, बेटे की इज्जत मजरूह है। पहली चीज है बताओ ये गुनाह। अच्छा पता चल गया ये गुनाह है। फरमा जब ये पता चल गया गुनाह है, ये मूजिब होगा, आगे हाल बनेगा। हाल क्या बनेगा? शर्मिंदा हो जाएगा। ये अब रहमत के दरवाजा खुल रहा, अब गंजर के लिए जन्नत के दरवाजे अल्लाह खोलने चाहता है। जब इतना ख्याल आ गया यार गुनाह है, अब शर्मिंदगी आई है। जब शर्मिंदगी आई, मेरे आका ने फरमाया कफारतु ज़ुनूब अन्नदामा। ओ गुनाहगारों, जब गुनाह हो जाए कफारा क्या है? अन्नदामा, शर्मिंदा हो जाओ। अल्लाह शर्मिंदगी है, अल्लाह माफ कर दे। तो जब इल्म हो गया गुनाह का, ज़कात नहीं दी, उशर नहीं दिया, बेअदबियां गुस्ताखी की, हर किस्म के गुनाह किए, समझता है गुनाह है। समझने का फायदा क्या हुआ? ये मुकदमा है। फायदा क्या हुआ? शर्मिंदगी आ गई। जब शर्मिंदगी आ गई, सच्चे दिल से इस हश्र में कहा, या अल्लाह फला गुनाह फला गुनाह फला गुनाह, मेरे अल्लाह तौबा करता हूँ, हुकूकुल इबाद में माफ कराता हूँ, अदा करता हूँ। कर लिया, आ गई सदा अत्ताल मिन ज़म्ब कमल लाज़म बना। ओ सामी, ओ शराबी, ओ चोर, ओ डकैत, ओ लूटी, ओ फरारी, ओ हराम खाने वाले, ओ झूठ बोलने वाले, ओ लोगों की इज्जत पे हमला करने वाले, उधर लानत सी, अब सच्चे दिल से तू ने कहा अल्लाह माफ कर, अल्लाह माफ कर, अल्लाह माफ कर दे, जा अत्ताल को मेरा ज़म्ब कमल लाज़म बना। वो वक्त था तू बदमाश था, कंजर था, सादी था, लालची था, जब सच्चे दिल से कहा अल्लाह राजी हो जा। फरमा अब तू कौन है? तेरा क्या नाम है? हबीबुल्लाह, हबीबुल्लाह, हबीबुल्लाह। जा अब तू मेरा महबूब बन गया। और फरमा जब मेरा कोई महबूब बनता है, फिर मैं उसका महब बन जाता हूँ। वो तेरा कजरों वाला दौर, शराबी और जाली वाला दौर, जब सच्चे दिल से मगफिरत वाले हश्र में तौबा कर लेगा, अब अल्लाह फरमाते हैं युहिब्बुकुमुल्लाह, युहिब्बुकुमुल्लाह। वो ये कौन है? दुनिया वाले सादी कंजर, सादी शराबी जानी। अल्लाह फरमाते हैं नहीं, मगफिरत वाले हश्र में मुझे राजी किया, हुकूकुल इबाद अदा किए। अल्लाह ये कौन है? फरमाते हैं दो, तुम कंजर कहते हो, तुम कलीली कहते हो, तुम लालची कहते हो, तुम शराबी कहते हो, मैं कह रहा हूं मेरा महबूब है, मेरा महबूब है। जन्नत के आठ दरवाजे इसके लिए खोल चुके। ये हो गया। तो पहले इल्म होना, फिर शर्मिंदा होना, शर्मिंदगी के बाद सच्चे दिल से तौबा कर लेना, हबीबुल्लाह, हबीबुल्लाह, अल्लाह का महबूब बन जाता है।
आखिरी बात सुन, हम आखिरत से नहीं डरते, ये वैसे दावे, आखिरत से डरें फिर शिर्क करें, शिर्क फिर इल्म ना हो, शिर्क फिर तसर्रुफ ना हो, पुकार में शिर्क ना हो, इबादत में शिर्क ना हो, बिदात करें, मेरे आका ने फरमाया बिदाती आदमी उसकी नेकियां कोई कबूल नहीं होती है, तौबा भी नसीब नहीं होती है। हम फिर सच बोले, झूठ ना बोले, नजरों की हिफाजत करें, नेकियां करें। याद रखना कर आखिरत की फिक्र होना, खुदा की कसम एक रुपया किसी का खाया पांव पकड़ा आज बार लो माफ कर दे या दे दे, आखिरत की जिंदगी बहुत मुश्किल। माए असलमी रजी अल्लाह तआला मेरे आका के पास आए, आज जिस गुनाह को खेल समझा जाता है, 10 साल का बच्चा उसे इस गुनाह का पता ना हो, 8 साल का बच्चा उसे गुनाह पता ना हो, क्योंकि घर में वीसीआर है, डिश है, मस्जिद के लिए 1000 रुपए देना मुश्किल है, इफ्तारी कराना है ईमान को मुश्किल है, आज और उम्रे पे जाना मुश्किल है, बेवा के फटे पुराने कपड़े उसको कुछ देना मुश्किल है, लेकिन घर में डिश है, बच्चे बच्चे के हाथ में मोबाइल है, वो चीजें जो नौजवानों को कभी पता नहीं होती थी, आज बच्चों को भी पता है। दर जवानी तौबा कर कर शेवा पैगंबरी वक्त पीरी गुरगुजार में शबत परहेजगार, मजा आता है जवानी बरकरार, सारी ताकतें बरकरार, कंजरी गुनाह की दावत दे, कोई रुकावट नहीं माने नहीं है, सिर्फ कहे सर नीचे करके इन्नी अखाफ अल्लाह, अल्लाह से डरता हूं। जाओ खुदा फरमाता है क़यामत के दिन जल्दी इसको साए के अर्श के साए के नीचे जगह दे। माज नबी आया, अल्लाह के पैगंबर गुनाह हो गया, क्या गुनाह हुआ? जिना हुआ। मेरे आका ने फरमाया, लंबी तफसील है, फरमाया शायद तूने ऐसे किया हो, नहीं अल्लाह के पैगंबर, आखिरत की सजा जाने की बात पूरी है, ला तकरब जिना इन्नहु काना फाहिशतन वसा सबीला। अगर कोई आदमी कसम उठा के कुरान पे हाथ रख के किसी दोस्त को कह दे अल्हम्दुलिल्लाह जिंदगी में जिना नहीं किया है, फकीर की नसीहत याद रखना, उसकी जूतियां सीधी करना, उसे दुआ के लिए कहना, मेरी जिंदगी के बाद अगर हुआ मेरा सलाम देना और दुआ का कहना, ऐसा गुनाह है जिससे यो बच गया, क़यामत के दिन अर्श मुअल्ला के साए के नीचे जगह मिली, अल्लाह के नाम पर गुनाह हुआ। फरमा पक्की बात है, 4 दफा इकरार किया, मेरे आका ने फरमा ले जा इसको रजम कर, आज जिस गुनाह को मजाक समझा जाता है वो खुद आके मान रहा है, पता है कि जिना की सजा कब्र में क्या है, हशर में क्या है, फरमा ले जाओ इसे संसार करो, ले के गए, कोई जूती मार रहा है, कोई हड्डी मार रहा है, कोई डंडे मार रहा है, आखिर वो फौत हो गया। मेरे आका को जब पता चला एक आदमी ने उसे कहा था अल्लाहुम्म लअन अलम कबीरा, अल्लाह इस पे लानत दे, फरमा रुक जा रुक जा, लानत से बचने के लिए तो उसने संसार कराया है, खबरदार आइंदा इसको ऐसे न कहना। हदीस में आता है मेरे आका रहमतुल्लिल आलमीन है, आपका दिल बड़ा नरम है, दिल बड़ा नरम है, पूछा हाँ असलमी कुमार आयो जी संसार किया है, पूछा क्या करता था, अल्लाह के पैगंबर जब पत्थर पड़ते थे, आज कहते हैं अगर जवानी से पहले शादी से पहले शैतान को नाराजी किया तो जिंदगी क्या, खुदा की दंत फिर कमा कमा के कहीं से बरकत नजर नहीं आ रही, बड़े बड़े पेट भर लिए लेकिन मोहताजियां खत्म नहीं हो रही, अल्लाह की तरफ से हकीकी इज्जत नहीं मिल रही है, और वो शख्स डर गया, इतनी सख्त सजा है, पत्थर खाने आसान है, डंडे खाने आसान है, जूतियां पड़े अब अल्लाह के पैगंबर तोड़ा, फिर हमने फिर भी नहीं छोड़ा, मेरे आका के ने रो के फरमा अल्लाह तरक्तुहू हो अल्लाह तरक्तुहू हो, क्यों नहीं छोड़ा था यार, छोड़ देते छोड़ देते, छोड़ना कोई नहीं था, तरस आया प्यार के लेजे में फरमाया अल्लाह तरक्तुहू हो, क्यों नहीं छोड़ा था क्यों नहीं छोड़ा था। फिर मेरे आका ने फरमा सुन लो खुदा की कसम माइज असलमी ने ऐसी तौबा की है पूरे मदीना वाले मिल के तौबा करें उसकी तौबा का मुकाबला नहीं कर सकते, बहुत सुभान ये मगफिरत वाला आशा, अल्लाह से माफी मांगो, अल्लाह को राजी करो, और बहुत खुश नसीबी है ये अशरा अलविदा हो हमारे नामा या अमाल में आ जाए, अल्लाह फरमाए मैंने इनके गुनाह माफ कर दिए हैं, अब ये हबीबुल्लाह मेरे महबूब है मेरे बरगुजीदा नेक बंदे हैं, अल्लाह अमल की तौफीक नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।